over the edge. Feel like I'm floating through the air. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम लोग इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए, इसकी तीन शर्तें हैं, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बारी ज़ुबानी बता देता हूँ। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट एफ ऑफ एफ द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट वैल्यू, एट दैट नंबर। फंक्शन जिस भी नंबर पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पर डिफाइंड होना चाहिए, इनफाइनाइट ना होना नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए फंक्शनल वैल्यूज पॉइंट पे। सेकेंड कंडीशन इज द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी, ये दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास जब लिमिट अप्लाई करें आप उस फंक्शन की पर्टिकुलर फंक्शन पे और उस पर्टिकुलर पॉइंट को डायरेक्टली आप पुट करें फंक्शन में, तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल। ये तीन कंडीशन हैं फॉर चेकिंग इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर द फंक्शन। सो द क्वेश्चन हेयर विच इज गिवन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपको कह रहा है डिस्कस कीजिए कंटिन्यूटी, ठीक है, जब आपका फंक्शन जो है वो गिवन है और एट द पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर गिवन 3 पे हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी जो है वो मालूम करनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, फंक्शन पीस वाइज गिवन है, हमें यहाँ पर पता है दैट दिस फंक्शन अगर ऑरिजिनली हम देखें तो ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है, तो इसने पीस वाइज दिया है। अगर वो कहता है x बराबर होगा 3 के तो ये 6 के बराबर है, अदरवाइज ये फंक्शन ही फॉलो होगा। और एक 3 ही ऐसी नंबर है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है जी, तो फंक्शन इस तरीके से पीस वाइज गिवन है कि अगर x बराबर नहीं है 3 के तो ये फंक्शन है, अदरवाइज अगर x इक्वल है 3 के तो 6 के बराबर है। तो सिंपली आपने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या होती है दैट एफ ऑफ सी मस्ट बी डिफाइंड। तो एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ 3 बेसिकली क्या है, x बराबर अगर 3 के तो फंक्शन 6 के बराबर है, तो एफ ऑफ सी मस्ट बी डिफाइंड फर्स्ट कंडीशन। तो अगर f में हम 3 पुट करें तो हमारा आंसर क्या है, 6 है बेसिकली, ये इसने बता दिया था हमें फंक्शन में गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, डिफाइंड है, 6 वैल्यू है, फाइनाइट है। द सेकंड वन इज द लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट, ये सेकंड कंडीशन है कंटिन्यूटी की। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ, अब आप देखिए जब भी आप लेफ्ट या राइट से 3 पे अप्रोच करेंगे, जैसे मैं आपको पहले भी बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि अगर 3 कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे आप अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, जब आप लेफ्ट हैंड से आएंगे इट विल बी अ 2.99999 ऐसे चलता जाएगा, और जब आप राइट हैंड साइड से आएंगे इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ 3.00000 और ये चलता जाएगा 1 इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, When the limit x approaches to c of f of x exists, तो आपने ये अप्लाई करना है तो आपका फंक्शन किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, क्योंकि हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट या राइट हैंड साइड से इट विल नॉट बी इक्वल टू 3। सो यूजिंग दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3, जब आप लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, आपकी शर्त है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 क्या है वो 3 का स्क्वायर है, ओवर x माइनस 3, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब आपके पास यहाँ पर अगेन एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब आप इसको ओपन करेंगे इट विल बी व्हाट, ए माइनस बी और ए प्लस बी होल ओवर ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 डिनोमिनेटर में मौजूद था। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई यानी x माइनस 3 से x माइनस 3 कर देंगे कैंसिल आउट, तो यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 3 इन द न्यूमरेटर। ठीक है जी, अब आप इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो x ये जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 6। सो अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 6 व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो देखिए दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस बल्कि सेटिस्फाई हो गई, एक फाइनाइट होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड लिमिट एग्जिस्ट करे, कर रही है, 6 आंसर आ रहा है, और लिमिट ऑफ f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ c बेसिकली। ठीक है जी, तो 6 बराबर है लिमिट के 6 के, तो बेसिकली ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो वी कैन से दैट
दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। मगर देखिए अगर इसी तरीके का फंक्शन होता, जैसे ये गिवन है, ये फंक्शन है हमारे पास, लेकिन अगर ये कंडीशन गिवन नहीं होती दैट इफ एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स यानी वाई विल बी इक्वल टू 6, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, दिस विल बी अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने एक और मिसाल ले ली, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 के। अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड है, यहाँ पर आपको देखने से पता लग जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऐसी एक वैल्यू है विच इज़ 3, अगर मैं प्लस 3 इसमें पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ओवर 9 यानी कि इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो अब आप देखिए उसने कहा भी सवाल में यही था कि डिस्कस कंटिन्यूटी करनी 3 पे है, तो जी ऑफ 3 जब हम मालूम करेंगे इट विल बी व्हाट, 9 माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3 विच इज़ 0.0, सो थस वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, थस जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट में सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे मेजॉरिटी जो मेरा कंटेंट व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ, थैंक यू, खुदा हाफिज़। Like I'm floating through the air. The pain I felt is